दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा। नोएडा एक्सटेंशन के नाम से मशहूर इलाके में दो इमारतें गिरी। बहुत तेज एक आवाज आई, जैसे ही गेट खोल के बाहर आए तो एकदम ऐसा लग रहा डायनामाइट से कुछ उड़ाया गया है। शाहबेरी गांव में एक दूसरे के ऊपर गिरी दो बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो धीरे 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 करके जमीन के नीचे गिरी है और देन फ्लैट होकर वो दूसरे साइड में गिर गई और दूसरी बिल्डिंग भी इसके चपेट में आ गई। एक इमारत में हो रहा था निर्माण कार्य, दूसरी इमारत में रह रहे थे 10 से 12 परिवार। रात 9 बजे के करीब हुआ दिल दहला देने वाला हादसा। अचानक जैसे लगा कि जैसे कोई भूकंप का झटका सा लगा, बहुत सारा एकदम ज्वार टाइप का धुआं टाइप का उठा, बाहर देखा तो ये बिल्डिंगें गिर चुकी थी। निर्माणाधीन इमारत के ऊपर गिरी बनी हुई बिल्डिंग, NDRF और ITBP की टीम बचाव काम में लगी। अभी सबसे पहले प्रायोरिटी है कि रेस्क्यू किया जाए, यदि कोई व्यक्ति जीवित है तो बाहर निकाला जाए। NDRF के लोग काम कर रहे हैं। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। लगभग कितने लोग फंसे होने की आशंका, कितने लोगों के? मान के चलिए 50 प्लस होंगे। मैं गैर कानूनी तरीके से बनी इलाके की कई इमारतें, नोएडा एक्सटेंशन में हादसे का जिम्मेदार कौन? दर्दनाक हादसे का हर अपडेट एबीपी न्यूज पर लगातार। दिल्ली के पास नोएडा एक्सटेंशन इलाके में अवैध निर्माण ने ले ली है 3 लोगों की जान और न जाने कितने आशियाने आज उजड़ गए हैं। नोएडा एक्सटेंशन इलाके में 2 इमारतें धराशायी हो गईं, 2 अवैध इमारतें गिर गईं जिसमें 3 लोगों की जान चली गई, लेकिन 30 से 35 लोग मलबे में अभी भी फंसे हुए हैं। ग्रेटर नोएडा का नोएडा एक्सटेंशन इलाका है, नोएडा एक्सटेंशन इलाके के नाम से जाना जाता है, जहां पर यह हादसा हुआ। शाहबेरी गांव में 2 इमारतें गिर गई, एक इमारत बनी हुई थी पहले से और एक बन रही थी। एक में 10 से 12 परिवार रह रहे थे और दूसरे में मजदूर काम करते थे। मलबे में अब भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। इस हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है। बिल्डर गंगा शरण द्विवेदी हिरासत में ले लिया गया है। बिल्डर की तलाश की जा रही थी जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है। गंगा शरण द्विवेदी और उसके 2 सहयोगी भी हिरासत में ले लिए गए हैं, अब इनसे पूछताछ की जाएगी। आरोप यह है कि बिना नक्शा पास कराए इन्होंने ये निर्माण कराया जिसकी भेंट चढ़ गए 3 लोग और न जाने कितने लोगों के घर हमेशा हमेशा के लिए उजड़ गए। घटनास्थल से मेरे 2 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, मेरे सहयोगी अभिसार शर्मा भी घटनास्थल से इस वक्त मौजूद हैं। अभिसार, सही कहा था आपने कुछ देर पहले कि जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक हादसा नहीं है लेकिन एक बड़ी जानकारी आपके पास है, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अमांद्रा, वो बड़ी जानकारी हमारे पास ये है, जैसे कि आप बता चुकी हैं गंगा शरण द्विवेदी जो हैं उसे गिरफ्तार किया गया है, साथ साथ 2 सहयोगी। मगर उससे भी बड़ी जानकारी जो है वो ये कि आप जानते हैं जितने भी यहाँ बोर्ड्स लगे हुए थे बिल्डर्स के, उन्हें रातों रात गायब कर दिया गया है। ये जानकारी मेरी सहयोगी अजातिका सिंह के पास है। अजातिका, आप मुझे बता रही थी कि रातों रात बिल्डर्स के बोर्ड्स को गायब कर दिया गया, यानी कि अपराध का जो भी सुराग है उसे पूरी तरह से गायब कर दिया गया। ना सिर्फ गायब कर दिया गया है अभिसार, बल्कि जो शॉप्स थी जो बिल्डर्स की और जो उनके शॉपकीपर्स थे, उन्होंने आज पूरी तरीके से शॉप्स अपनी क्लोज रखी हैं। जो बिल्डर्स थे लंबे समय से यहाँ पर, काफ़ी सारे बिल्डर्स हैं जिनकी इस इलाके में शॉप्स हैं, लेकिन वो सारी की सारी शॉप्स आज बंद हैं। सर, मैंने लोकल से बात करी है, उनका ये कहना है कि जो होर्डिंग्स थे उन्होंने जो लगाए थे अलग अलग जगह पर, अलग अलग गलियों में, हर गली में कोई ना कोई होर्डिंग था, लेकिन आज अगर आप वहाँ पर कर मुआयना करें तो हमें आज वहां कोई होर्डिंग नहीं मिलेगा। शर्म तुमको मगर आती नहीं। देखिए साहब, एक अपराध हुआ है, ये अपराध हुआ है जिसमें कई परिवारों की जान जाने की आशंका जताई जा रही है, मगर अपने अपराध के जो सुराग हैं, जो प्रमाण हैं, उसे रातों रात गायब करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि अजातिका हमें बता रही हैं कि न सिर्फ उन बोर्ड्स को वहां से गायब किया जा रहा है मांद्रा, बल्कि वो तमाम दुकानें जो आसपास थी, आप देख सकते हैं ये नजारा मेरे सामने, ये नजारा जो कि शर्म का नजारा है, क्योंकि ये हो रहा है कहां पर? नोएडा में हो रहा है। वो नोएडा जो सपनों का शहर माना जाता है, वो नोएडा जी हां, जहां पर लोग दिल्ली छोड़कर आके बसते हैं, मगर आप देख सकते हैं कानून को धता बताते हुए, नियम कानून को धता बताते हुए इस तरह की इमारतों का निर्माण होता है। और नतीजा आपके सामने, आपसे कुछ देर पहले अमांद्रा जब मैं लाइव कर रहा था तब मेरे सामने एक लाश को निकाला गया था। हम उम्मीद करते हैं
क्योंकि आप जानते हैं इससे भी विषम हालात में, इससे भी विषम हालात में चमत्कार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि उम्मीद की एक हल्की सी किरण सामने उभर कर आया मांत्रा, मगर वाकई आज जो ऐसा हुआ है ये हमारे पास शब्दीय ज्योति के साथ एक जानकारी है। ज्योति जी, मैं अभी इस पूरे इलाके का दौरा करके आई हूँ, पूरा इलाका देख कर आई हूँ अभी सर। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि मेरे साथ यहाँ के लोकल्स लोग थे, होर्डिंग्स तो हट ही गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सुपरवाइजर जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कभी भी नोएडा अथॉरिटी का, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का कोई शख्स, कोई अधिकारी, जैसे कि जब अगर हम नोएडा में घर बनाते हैं वहाँ पर चेक के लिए आता है कि सही मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, मानक सही है या नहीं, यहाँ पर कभी। बिल्कुल, और यहाँ हमने देखा ज्योति अभी सर, हमने देखा किस तरह नियम कानून को ताक पर रखकर, सभी स्टैंडर्ड्स और मानकों को ताक पर रख कर ये घर बनाए गए। बकायदा लोग यहां पर रह रहे थे, कुछ शिफ्ट कर चुके थे, कुछ शिफ्ट करने ही वाले थे, गृह प्रवेश तक कर चुके थे, और सब कुछ रातों रात धराशायी हो गया। लेकिन आप इस इलाके को समझ लीजिए, नोएडा एक्सटेंशन को, जो लोग इस इलाके से वाकिफ नहीं है, 2009 में नोएडा एक्सटेंशन के नाम से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट के लिए ग्रेटर नोएडा ने, अथॉरिटी ने जमीन का अधिग्रहण किया, जमीन का अधिग्रहण किया गया। कुछ गांव किसान अधिग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने शाह बेरी गांव का अधिग्रहण रद्द कर दिया। ये गौर करने वाली बात है, अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, जिसके बाद किसान आंदोलन के चलते 2 साल तक ये प्रोजेक्ट रुका रहा। लंबा चला किसान आंदोलन, 2 साल तक प्रोजेक्ट रुका रहा। ग्रेटर नोएडा के शाह बेरी में निर्माण पर रोक लगाई गई, निर्माण पर रोक लगी हुई थी, इजाजत नहीं थी किसी निर्माण की। किसानों से जमीन लेकर बिल्डरों ने इमारतें बनाई। नोएडा एक्सटेंशन में क्या हाल है देखिए, बिना नक्शा पास कराए इमारतें बन रही थी, एक कंस्ट्रक्शन बदस्तूर जारी था, और उसका नतीजा क्या हुआ वो हम सबके सामने है। हमारे सहयोगी पल पल का अपडेट घटनास्थल से आप तक पहुंचा रहे हैं, मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी की यह रिपोर्ट देखिए, जहां उन्होंने उस पूरे इलाके का जायजा लिया जहां यह हादसा हुआ है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के शाहबेरी गांव में इस वक्त हम एक ऐसी बिल्डिंग में मौजूद हैं जिसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग जो कि 5 मंजिला थी वो धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई, ताश के पत्तों की तरह गिर गई। और इस वक्त हम 5वीं मंजिल पर मौजूद हैं, ये 503 फ्लैट जिसके अंदर हम जा रहे हैं। और आपको बता दें इस फ्लैट की कीमत इस वक्त 20 लाख रुपये है, और बगल वाला जो फ्लैट था जो धराशायी, जो जमींदोज हो गई है, उसकी कीमत तकरीबन 22 लाख रुपये, जैसा कि एक महिला जो कि बायर्स थी उन्होंने बताया है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह का वो फ्लैट था, एक छोटा सा ड्राइंग रूम, छोटा सा डाइनिंग एरिया, ये किचन, आशीष हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, बिल्कुल इसी तरह का कंस्ट्रक्शन था, बिल्कुल इसी तरह की बनावट। कहा बस इतना जा रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ पर फ्लैट खरीदे हैं उनको लगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो वहाँ के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है, इसी वजह से लोगों ने यहाँ पर इस फ्लैट को, इस घर को खरीदना ज़्यादा बेहतर समझा। 2 BHK यानी कि 2 कमरों वाला ये फ्लैट है। ये एक बेडरूम मैं आपको दिखा रही हूँ जिसमें ये आलमारी बनी हुई है, पीछे की तरफ ये एक छोटा सा टॉयलेट है। अभी लोग यहाँ पर रहने नहीं आए हैं, आपको बता कि तकरीबन 18 फ्लैट्स हैं जिनमें से सिर्फ 4 परिवार ही यहां पर रहने के लिए आए हैं। और ये छोटी सी बालकनी आपको दिखाना चाहूंगी, इसी तरह से कंस्ट्रक्शन बगल वाली बिल्डिंग का भी किया गया था जो कि जमींदोज हुई है। और यहां पर जो बायर्स हैं उनका ये कहना है कि हम उनमें से कुछ लोगों ने 15 दिन पहले ही इस फ्लैट में शिफ्ट किया है। रात में जब बगल वाली बिल्डिंग गिरी तो ये भी शेक हुआ था, यानी कि ये भी बिल्डिंग हिली थी, लोगों को लगा कि भूकंप आ गया है। लोग जब बाहर निकले तो उनको इस बारे में जानकारी मिली कि भूकंप नहीं बल्कि बगल वाली बिल्डिंग के गिरने की वजह से ये पूरी की पूरी बिल्डिंग शेक हुई थी, जिसके बाद डर और दहशत का आलम जो यहाँ के फ्लैट बायर्स हैं उनके अंदर भी इस वक्त देखा जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, जवाबदेही और जिम्मेदारी आखिर सरकार किसी की तय करेगी या फिर नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार का यह मामला है जिसके बाद 3 लोगों की मौत हो चुकी है, न जाने कितने लोग अभी भी मलबे के अंदर दबे हुए हैं जिनके बचने की उम्मीद भी बेहद कम है। उम्मीद यही कि इस तरह के बिल्डर्स पर, इस तरह के लोगों पर जो अवैध रूप से बिल्डिंग का, इमारतों का निर्माण कराकर फ्लैट को बेचते हैं, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी ताकि आगे आने वाले वक्त में इस तरह की दूसरी तस्वीर देश के किसी भी हिस्से से सामने नहीं आए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ चित्रा त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ABP न्यूज। बिल्कुल कई सवाल खड़े कर रहा है हादसा, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जांच बिठा दी जाती है, कुछ लोगों पर शायद गाज भी गिरती है, लेकिन उसके बाद होता है एक और हादसे का इंतजार। ऐसे में ABP न्यूज भी उठा रहा है कई सवाल, नोएडा एक्सटेंशन में हादसे का जिम्मेदार कौन। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि इस हादसे का जिम्मेदार किसे माना जाए, किसकी जिम्मेदारी है इतना बड़ा हादसा। अवैध इमारत कैसे बन रही थी, जब ये सब कुछ अवैध था तो फिर बन कैसे रहा था, जब इजाजत नहीं थी कंस्ट्रक्शन की, कैसे ये इमारत बन रही थी, रोक के बाद भी अवैध इमारत कैसे बन रही थी। हमने आपको बताया यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर रोक लगी हुई थी, अधिग्रहण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रद्द कर दिया गया था, उसके बाद भी
ये इमारतें बन रही थी और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा हुआ। तीन लोगों की इसमें मौत हो गई है। कई लोग मलबे में बताया जा रहा है कि अब भी फंसे हुए हैं। मलबा हटाने का काम चल रहा है। दोनों ही इमारतें बताया जा रहा है कि अवैध रूप से बिना नक्शा पास कराए हुए बनाई गई थी। और आईजी मेरठ जोन राम कुमार का क्या कहना है इस हादसे को लेकर, सुनिए। की अभी पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि ये तीनों व्यक्ति यहाँ पर चौकीदारी करते थे या लेबर का काम करते हैं, उन्हीं में से थे। क्या परेशानियाँ हुई हैं क्योंकि रात से अब सुबह हो गई है, जितना मलबा हटाया गया है और तीन बॉडी रिकवर की गई है? जी हाँ, ये मलबा इसमें काफ़ी है और सारा कंक्रीट का मलबा है, तो उसको तोड़ने में थोड़ा वक्त लग रहा है और उसी कारण से यह कार्य थोड़ा सा धीमा सा चल रहा है। लेकिन अब हमारे पास बड़ी मशीन्स आ गई हैं और उनके बेसिस पर हम लोग तेज़ी से कार्रवाई करेंगे। NDRF के भी अपने इक्विपमेंट्स हैं जिसके बेसिस पर वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई जीवित या फिर कोई डेड बॉडी अगर अंदर है तो उसकी चिन्हांकन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डर को अरेस्ट कर लिया गया है, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? अभी तीन लोग हमारी हिरासत में हैं, तीन लोग हिरासत में हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति प्रकाश में आता है उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। लोगों का कहा जा रहा है कि नोएडा अथॉरिटी से अभी तक कोई नहीं आया है उनकी तरफ। ये एरिया नोएडा अथॉरिटी नहीं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में पड़ता है और इसका जो भी स्टेटस है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और नोएडा अथॉरिटी डिसाइड करेंगे और उसमें जिसकी भी लापरवाही होगी वो उसको प्रशासन ही कार्रवाई करेगा उसमें। तो सुना आपने, तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। अगर किसी भी तरह की लापरवाही इसके पीछे होगी तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राहत बचाव का काम चल रहा है लेकिन प्रायोरिटी यह है कि अगर कोई जिंदा है तो उसे निकाला जाए। अवैध निर्माण से शुरू हुआ नोएडा एक्सटेंशन का हादसा। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबेरी गांव का अधिग्रहण रद्द किया था। कई बिल्डरों को प्रोजेक्ट्स रद्द करने पड़े थे, कईयों को शिफ्ट करने पड़ गए थे। इस वजह से प्राधिकरण ने इलाके में निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी। रोक लगी हुई थी निर्माण कार्य पर, लेकिन रोक के बाद भी बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो रहा है। जो बिल्डिंग्स दो धराशायी हुई हैं वो भी अवैध थी। प्राइवेट बिल्डरों ने किसानों से जमीन लेकर इमारतें बना दी। अवैध रूप से फ्लैट बनाकर लोगों को बेचा जा रहा था। लोगों की जमा पूंजी जीवन भर की इनमें लगी हुई थी। इलाके में बनाए जा रहे फ्लैटों में घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई मानक नहीं, किसी का पालन नहीं। नियम कानूनों को ताक पर रखा गया और किसी भी स्टैंडर्ड का पालन नहीं किया गया। 2009 में नोएडा एक्सटेंशन के नाम से बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। प्रोजेक्ट के लिए ग्रेटर नोएडा ने जमीन का अधिग्रहण किया था। अथॉरिटी ने कुछ गांव किसान अधिग्रहण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। कुछ किसान जो आसपास के गांव के थे वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबेरी गांव का अधिग्रहण रद्द कर दिया। अधिग्रहण रद्द कर दिया गया जिसके बाद कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई गई। किसान आंदोलन के चलते 2 साल तक प्रोजेक्ट रोक दिया गया। ग्रेटर नोएडा ने शाहबेरी में निर्माण पर रोक लगाई। अथॉरिटी ने शाहबेरी में निर्माण कामों पर रोक लगाई। किसानों से जमीन लेकर बिल्डरों ने इमारतें बनाई लेकिन इसके बाद भी इमारतें बनी बिना नक्शा पास कराए। इमारतें बन रही थी और जो दो बिल्डिंग्स कल धराशायी हुई वो भी अवैध रूप से इसी इलाके में शाहबेरी गांव में बनी हुई थी, जिसमें तीन लोगों की जान चली गई। कई लोग मलबे में दबे हुए हैं। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।